ओके बच्चों, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोमेंटम. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंटम. नाउ वी आर गोइंग टू डिटेल डिस्कस किसके बारे में बच्चों? मोमेंटम के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक मोमेंटम. टिल नाउ बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू इनर्शिया एंड आई हैव टोल्ड यू दैट अ बॉडी हैव ग्रेटर मास. A body have greater mass, then definitely you can say body must possess क्या चीज होगा बच्चों? इनर्शिया ज्यादा होगा कम? ज्यादा होगा. तो I have already discussed with you a body have greater mass, that means body have क्या होगा? ज्यादा इनर्शिया होगा. So till now you can say that we have F is directly proportional to m. यहां तक बच्चों हमने previous class में discuss कर लिए थे. Okay? Now you can see over here, consider one example. बच्चों क्या, let us suppose हमारे पास ये ground है. Okay, now we have one ball of mass m. Got it? M kg है. Let us suppose this is the m kg. Now you are applying a force F, that is external force, or you can say that this force is equal to, let us suppose, 5 newton. How much you are applying here? Force that is equal to 5 newton. Got it? Now we have another ball. Let us suppose due to this force, ball is in the moving condition and the velocity is v1. Consider another ball having the same mass. Now we have another ball. क्या है बच्चों? हमारे पास एक दूसरा बॉल है, कितना? एम के जी का ही. द मास ऑफ बोथ बॉल क्या है? सेम है बच्चों. Now again you are applying a external force. Let us suppose this force is F2 and the value of F2 is, let us suppose, 10 newton. Okay, now this one is F1 and this is F2. Due to which, if you are applying a force on ball, तो क्या होगा बच्चों? Let us suppose इसके कारण ball motion में आ गया. Now we have the velocity of the second ball is v2. What you are observing from this two experiment? You can say that here the velocity is v1 of this ball due to a force applying on this F1, that is equal to 5 newton, and the velocity of this ball is v2 due to force applying on this ball, that is equal to 10 newton. So tell me the relation between v2 and v1. बच्चों अब क्या देख रहे हो कि एक ग्राउंड सरफेस, लेट अस सेम ग्राउंड सरफेस, सेम बॉल, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, कोई फ्रिक्शन का कंसेप्ट यहां पे हम नहीं लगा रहे. देयर इज नो एनी एक्सटर्नल, कोई भी यहां पर एक्सटर्नल ऐसा अपोजिंग फोर्स वगैरह नहीं है. तो बच्चों क्या कह सकते हो आप कि 5 न्यूटन जो आप फोर्स यहां पे लगाए हो और इसके कारण जो वेलोसिटी होगा, आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो कि आप मान के चलो एक बॉल है और सेम चीज है, एक कोई पर्सन है वो बहुत ही वीक है, कमजोर है, आया और उसको धकेला या पुश किया या पुल किया, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इट मे पॉसिबल उसके कारण बॉल तो मतलब पोजिशन चेंज किया लेकिन बहुत स्मॉल, लेट अस वेरी स्मॉल, अ लिटिल बिट. ठीक है, बट एक पर्सन आया जो उनसे क्या था, ताकतवर था, उन्होंने सेम चीज को पुश किया या पुल किया, तो वो बॉडी क्या हो गया, मोशन में आ गया या कुछ भी हो गया. तो यू कैन से दैट इफ हियर, नाउ यू कैन सी हियर F2 इज ग्रेटर देन F1, हियर F2 इज ग्रेटर देन F1. So you can say that what? That implies V2 is also greater than V1 because the mass of both ball is same. So you can say here, till now we have inertia से हम लोग पढ़ चुके थे, F is directly proportional to M. अब हमने एक और concept यहां पर लिया, what? कि F, यदि F1 से ग्रेटर है तो V2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन V1. सो कैन आई से दैट F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी? यस, वी कैन से.
So from here, you can say that F is directly proportional to M. Okay. F is also directly proportional to velocity. Got it? If we combine both simultaneously, what you will get, bachcho? Kya aap yahan se keh sakte ho? Now you can say that F is directly proportional to M into V. Now you can see over here. Now we have F is directly proportional to MV. बच्चों यहां पर हमने मल्टीप्लाई किए हैं मास को विथ वेलोसिटी. व्हाई नॉट हम ऐड क्यों नहीं किए इसे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए? व्हाई आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे. ये दिस थ्री कंडीशन क्यों नहीं लिखा मैंने, बताओ, टेल मी. अच्छा बताओ क्यों नहीं लिखे इसे. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, बच्चों एक बात बताओ, एक कोई ब्लॉक है, नाउ लेट अस सपोज यू हैव वन ब्लॉक हैविंग मास m. इफ देयर इज अ मास देन डेफिनेटली द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉल इज हियर. यदि मास है तभी तो कोई मैटर एग्जिस्ट करता है. विदाउट मास ये मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा, कोई बॉल कैसे एग्जिस्ट करेगा? मान चलो आप कहते हो कि कोई, लेट अस सपोज यदि हम इसको ऐसे लिखें तो क्या होगा. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू वांट टू राइट एफ, इफ यू वांट टू राइट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम प्लस बी, व्हाट विल हैपन? नाउ यू कैन सी हियर, आप कहते हो लेट अस सपोज मास इज जीरो. लेट अस सपोज यू आर सेइंग दैट मास इज जीरो. टेल मी वन थिंग, यदि एक ब्लॉक की मास ही जीरो हो गया, द मास ऑफ ए बॉडी विल बिकम जीरो, कैन आई से दैट दिस बॉडी हैव सम वेलोसिटी? बिकॉज इफ नो मास सो यू कैन से नो बॉडी. यदि बॉडी ही नहीं है तो उसका वेलोसिटी भी क्या चर्चा करना, ठीक है? सो विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बॉल, सो यू कांट से दिस बॉल हैव सम वेलोसिटी, और यू कैन से ओके. सो इफ यू राइट एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम प्लस वी, दैट मीन्स इफ बॉल हैव मास जीरो, सो दिस विल बिकम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. दैट मीन्स यदि आपके पास मास नहीं है फिर भी आप कह रहे हो कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. सिमिलरली आप यहां सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दोगे, और मान लो आप यदि डिवाइड करो, समटाइम्स इफ वेलोसिटी इज जीरो, इट्स पॉसिबल अ बॉल हैविंग मास एम एंड देयर इज नो वेलोसिटी, दैट मीन्स द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन, इट्स पॉसिबल. सो इफ एम बाय वी यू विल गेट समटाइम्स एफ इज इंफिनिटी, सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई हमने यहां पर क्या लिखा था, इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी कैन राइट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी. तो बच्चों हमने एक एक्सपेरिमेंट से हमने ड्राइव किया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी. गॉट इट? आई थिंक सबको क्लियर है यहां तक. लो अब बच्चों एक और बात को हम डिस्कशन करते हैं. आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले करते होंगे, तो आप क्या देखते हैं, यदि कोई फील्डर ग्राउंड में, कोई फील्डर के पास कैच आता है तो बॉल को वो यदि होल्ड करता है तो क्या होता है कि वो अपने हैंड को पीछे करता है, वो अपने हैंड को पीछे करता है. व्हाई? लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल एंड वन मोर थिंग. सपोज वी हैव वन मैट्रिसेस, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस था. ओके, दिस इज वन मैट्रिसेस. ओके, नाउ यू आर ड्रॉपिंग बॉल फ्रॉम, लेट अस सपोज हाइट, यहां से आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो. ओके, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि बॉल आया और मैट्रिसेस पे हिट किया, वो क्या होता है, फिर से रिबाउंस होता है. तो मतलब कि बॉल सडन से स्टॉप कंडीशन में नहीं जाता है, वो बाउंस करता है, फिर आता है, फिर हिट करता है, धीरे 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 वो क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में चला जाता है. ऐसा करने से होता क्या है बच्चों, ऐसा करने से होता क्या होता? लेट अस सपोज यदि इफ इनिशियली यू हैव, लेट अस सपोज इनिशियली यू हैव मास, लेट अस सपोज वन बॉल हैविंग मास 1 ग्राम, लेट अस सपोज. ओके, एंड इफ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल, यदि आप बॉल को ड्रॉप किए यहां से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो. और जैसे जैसे ग्राउंड को हिट किया, यदि एक बार में सडन सा हिट करेगा बच्चों,
तो क्या होगा यदि फ्री फॉल की कंडीशन करें या वी वेलोसिटी के साथ इसको ड्रॉप करें तो क्या होगा बच्चों? तो यदि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी मान लिए कि कुछ भी है, मान के चलो वी, हम कुछ भी मान ले 10 मीटर पर सेकेंड, और लेट अस सपोज वी फाइनल अपने पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज यदि यह स्टॉप में चला गया सडन सा 0 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहां पर क्या देखोगे, चेंजेस पी इंटू वी, यहां पर पी यानी कि एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, यदि आप करोगे बच्चों तो यू विल गेट हियर इफ एम इज 1, लेट अस सपोज दिस इज 1 केजी, लेट अस सपोज दिस इज 1 केजी एंड यू हैव 10. Now initial is, let us initial velocity is 0, so you can say that so v final is 0. Okay, we have done one mistake here. Let us suppose we have final velocity is 0. Final velocity is 0. You can say here 1 into 0 minus mass is same. Now you have some velocity 10, so you will get हाउ मच माइनस के साथ आएगा बच्चों, दैस इज केजी मीटर पर सेकेंड, सो यू विल गेट सम वैल्यू. ओके, यही मान के चलो बच्चों हम क्या करें, वेलोसिटी को जो फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पर जीरो मान के चले थे, हम क्या करते हैं वेलोसिटी को कुछ टाइम देते हैं जीरो आने में. इनिशियली जब हिट किया तो मान लो द बॉल हैज सम वेलोसिटी, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, इफ यू पुट हियर 5, फाइनल वेलोसिटी इज 5, सो यू विल गेट अ वैल्यू विच इज लेस देन 10 इन मैग्नीट्यूड वाइज, इन मैग्नीट्यूड वाइज यू विल गेट वैल्यू लेस देन 10. तो जो हमने क्या देखा यहां पर बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के साथ, एज टाइम इज इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि यदि आप यहां पर बॉल को यदि कैच करते हो तो एक फोर्स लगाता है वो, सो इफेक्ट ऑफ फोर्स विल रिड्यूस, एज टाइम इज इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल रिड्यूस, सो यू कैन से दैट एफ इज, यू कैन से दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. नाउ इफ यू विल कंबाइंड ऑल दीज थिंग्स, सो यू विल गेट वॉट, यू विल गेट एफ दैट इज directly proportional to m into v divided by t, m into v divided by t. Now let us suppose कि बच्चों यदि एक बॉडी के पास मास m है, वेलोसिटी v है, so we will get f directly proportional to m into v divided by t. Now what is mv, what is mv? So now we are discussing about the momentum. Here mv is nothing, this is your momentum. मैंने बच्चों अभी तक आपको momentum समझा रहे थे, momentum, this term is momentum. So you can say that the momentum of an object, momentum of an object is the product of mass and the velocity. I have already discussed with you. ठीक है, till now due to inertia you know that if a ball has greater mass तो inertia greater होगा. Okay, so now we have a relation of mass and velocity with the force. तो इससे हम बच्चों ने एक term निकाला, that is your momentum. So you can define the momentum of an object is the product of its mass and velocity. And the direction, and the direction of momentum is same as the direction of velocity. So momentum का क्या direction होता है बच्चों? Momentum का direction होता है, if you want to write the direction, so you need to check the direction of velocity, because the direction of velocity जो होगा वही होगा momentum की direction. Hope it is clear to everyone. Okay, so here you can write P, that is your momentum. Momentum is represented by P. Momentum is represented by P. So you can write here P is equal to MV. Momentum is the multiplication of mass of a body and velocity of a body. So at the place of MV, you can put P. Got it? So let us discuss one more thing here.
here P, P is your momentum. Here P is momentum, that is equal to mv. Now here you can see here P is the momentum and m represent the mass of object and v represent the velocity of object. Hope it is clear to everyone. Now what is the SI unit of momentum? The SI unit of momentum is kg meter per second, because now you can see over here P is equal to m into v, and you know that mass is measured by kg and unit of velocity is meter per second. So you can say that the unit of momentum is kg meter per second. That is the SI unit of momentum. Got it? So move to the next point. The momentum of an object, the momentum of an object in the rest, that is the non-moving. If you are saying the object is in rest condition, that means non-moving, is equal to zero. Definitely, if you want to write the momentum of an object which is in rest condition, you can say that the momentum is zero, because a body having some momentum if the body is in motion condition. Here the body is in rest condition. So momentum in this situation, P is equal to zero, because body is in rest condition. Got it? तो बच्चों momentum कहाँ आएगा? यदि कोई भी block के पास यदि कुछ velocity है, and definitely यदि body है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो mass होगा. So एक body में mass होने से ही केवल momentum होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते. A body must have mass and क्या होनी चाहिए, वो motion condition में होना चाहिए. Got it? So move to the next. So based on momentum we have very simple questions. Now you can see over here. So based on the momentum, till now we have discussed about the momentum, and that is equal to m into v, and we have already discussed with you f is directly proportional to what, m v divided by t. I will discuss why I have wrote there this formula, that formula I will discuss, because based on that we will derive the second law of what, Newton's ka jo motion ka jo second law, Newton's second law of motion we will discuss. Now based on momentum we have a very simple question. What will be the momentum of a stone having mass 10 kg, having mass 10 kg and when it throw with a velocity of 2 meter per second? When kya diya hai bachcho questions mein? Questions mein hai, what is given here bachcho? You can write here what is given here. Tell me what is given here. Given you need to calculate the momentum. Okay, now you have mass, that means the mass of a body is how much? 10 kg. This is given in the questions. Now another things, it is thrown with the velocity of 2 meter per second. Now we have velocity also, so you can write here velocity is 2 meter per second. बच्चों जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप यूनिट चेक करो कि बोथ, यदि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, बिकॉज बोथ आर एसआई यूनिट, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों यूनिट सेम है कि नहीं. ओके, सो यू कैन राइट हियर द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम पी. मोमेंटम पी इज इक्वल टू mass into velocity. Okay, now here mass is also in SI unit and velocity is also in SI unit, so there is no need of conversion of unit. So you can directly put the value of mass here. What is the value of mass? 10 kg. You are multiplying it with velocity v, which is equal to 2 meter per second. You will get result how much? 20 kg into meter per second. So this is your answer. If a stone is throwing with mass 10 kg and the velocity 2 meter per second, you will get the momentum of that stone, how much? 20 kg
meter per second. This is the very simple question. Okay. So move to the next questions. Now you can see over here. An object momentum is 8 kg meter per second. Now you can see over here, you have already momentum is given in this questions. Okay. Now its mass is 1600 gram. What is given here? Mass of a object is 1600 gram. You need to find the velocity of that object. Okay. What is given here, bachcho? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है इस डेटा को लिख लो, आपको क्या होगा, इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज गिवन मोमेंटम. द मोमेंटम पी इज इक्वल टू 8 केजी. मोमेंटम कितना दिया है बच्चों, 8 केजी. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर द मोमेंटम इज 80 kg meter per second. Okay. Now we have mass also. So now you can see over here how much mass is equal to 1600 gram. Okay. Now we need to find the velocity of object. What is asking? Tell me the velocity of that object. How you will get this value? How you will calculate? First of all, बच्चों हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया कि आप यूनिट चेक करो. Now you can see over here, momentum, the SI unit of momentum is kg meter per second. Okay, it's fine. ये SI unit में दिया है. Now check the unit of mass. Here the you know that the SI unit of mass is kg, but mass is given in the gram. So first of all, you need to convert this gram into kg. So what you will do? You need to divide this with how much? Kitna bachcho? Tell me, 1000 se. So if you will divide this with 1000, you will get. You can do one thing, bachcho. Ek correction hum yahan pe kar lete hain. Let us suppose this is 16,000. This is 16,000. Put 10 here. If this is 16,000, हमारे पास बच्चों कुछ नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे. So that's why you need to put here also how much? 16,000. If the mass of that object is 16,000 gram, so you can, if you will divide here with 1000, so 30 se kya hoga bachcho, ye cancel out ho jayega. So you will get how much? 16 kg. Now you have the SI unit of mass. Now you can apply your formula directly. Okay. All of you know that the momentum, all of you know that the momentum of an object is written as P is equal to M into V. Okay. Now you have P, the value of P is 80. Okay. Now you have mass, that is 16 kg, and you are multiplying with this velocity V. So from here, you will get the value of velocity, that is V is equal to how much? 80 divided by 16, that is equal to 5 meter per second. Okay? Any doubt? I think सबको clear है ना बच्चों, कि यदि हमारे पास questions में ये second variety का question है, you have already momentum is given and the mass of object is given, you are going to calculate the velocity of object. और क्या हो सकता है बच्चों, मोमेंटम प्रोवाइड कर दे, वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे, और वो क्या पूछ ले, मास पूछ ले. एट द तो क्या करना है आपको, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्लियर है बच्चों सबको, कोई डाउट? ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाउ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम. दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों इसी से हम आगे न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए कार व्हिच कितना है 1500 केजी व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्पीड चेंज हो रहा है बच्चों,
that means the initial velocity of car is 30 km per hour, whereas the final velocity of car is how much? 72 km per hour. Now you need to calculate the change in momentum. So aapko what is given here, you can see over here what is given here. Tell me bachcho, what is given? Given kya hai bachcho? Mass. So mass of car is how much? 1500 kg. Okay, now you have the speed, that is initial speed is 36 km per hour. So you can write here VI, how much? 36 km per hour. ठीक है? और V final is also given, how much? 72 km per hour. Okay, now you need to calculate the change in momentum, that is delta P, that is delta. Here change is represented by delta and P. So tell me the change in momentum. How you will solve this questions? You can see over here. Tell me bachcho, kaise solve karoge ise? You can see over here, this quantity is given in SI unit. It's okay. Now V initial is given in, not in SI unit. So how you will convert it in SI unit? Now you can see over here, if you want to convert kilometer per hour into meter per second, so let us suppose we have 1 kilometer per hour. How you will convert? You need to first change the kilometer into meter, so you need to multiply with 1000. This is in hour. If you convert this in second, so you need to multiply 3600. Now you can see here, if you multiply, how much multiply, 218, and this is 5, so you can write here 5 by 18, and that is in meter per second. Whenever you will convert kilometer per hour, you need to just multiply with 5 into 18. Okay, so if you multiply this 36 into, sorry, this is 36 into 5 by 18, you will get how much? This is equal to 5 to 10 meter per second. Okay, if you multiply here 72 with 5 by 18, this is 4, and you will get 20 meter per second. Okay, now you have V initial is 10 meter per second, V final is 20 meter per second. Okay, now you need to change the del P. So you can write here del P is equal to, del P is equal to, how you will write? Because you know that, you know that M into V final minus M into V initial, take the common M, V final minus V initial, V final minus V initial. Tell me the mass. Mass is 1500 kg. Mass is 1500 kg, and V final is how much? 20, and V initial is 10. So you can write here 20 minus 10, that will be 10, and you are multiplying with, so this is 1500 bachcho, yahan ka 10 यहां का बच्चों. So this is your change in momentum, that will be, sorry, kg meter per second. So this is your answer. If you are going to calculate the change in momentum, just you need to put the formula mv final minus mv initial. You have already mass, that is equal to 1500 kg. So at the place of m, you can put 1500 kg. Now you need to calculate the v final and v initial. Initially V initial is 36 km power, which is not in SI unit. So first you will convert this SI unit, this into SI unit. How you will convert? Now you can see over here, 1 km per hour can be written as 5 by 18 meter per second. So you can multiply 36 with 5 by 18. So 18
2 जा 36, so you will get 10 meter per second. Now, if you multiply 20 meter per second, put this value, 20 minus 10 is 10. If you multiply 10 with 1500, you will get 15,000 kg meter per second. Okay. Now, we have some example of momentum. Now, you can see over here, the first example related to momentum is what? Wait a minute. Now, you can see over here, first example is a person get injured in the case of hitting by a moving object such as stone, pebbles or any things because of momentum of the object. Because you know that what I have already discussed with you, a body having mass m and have some velocity v, and you know that f is directly proportional to mass as well as v, and this product is known as momentum. So you can say that f is directly proportional to momentum. So if the product of m into v is high, so the object, or you can say peoples, will experience a higher force. Okay, so bachcho kya hoga, jab kabhi bhi koi bhi aisa object, maan ke chalo yadi uske mass यदि कम भी होगा, लेकिन यदि वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो अल्टीमेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस और दिस क्या होगा बच्चों, हाई हो जाएगा, तो फोर्स काफी ज्यादा लगेगा, तो उसको क्या होगा, जो चोट लगता है, जो पेन होता है ना, वो बच्चों ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई यू कैन से हियर अ पर्सन गेट इंजर्ड. ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कब, जब ये हीट होता है, ठीक है, लाइक स्टोन. क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि वह मोमेंटम के कारण. और मोमेंटम एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये तो फोर्स है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू ना, कि यदि कोई एक फील्डर यदि किसी ग्राउंड में वह कैच करता है, तो वह पीछे हैंड को क्यों पीछे खींचता है, यदि वह डायरेक्ट बॉल को कैच करेगा ना, तो बच्चों क्या होगा, उसको फोर्स काफी ज्यादा लगेगा, तो उसके हैंड में क्या होगा, पेन बहुत ज्यादा होगा. क्यों, अल्टीमेट क्या हो रहा है, उसे फोर्स लग रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ मोमेंटम दिस थिंग विल हैपन. ओके, now move to the second example. Even a small bullet, here you can see over here, the bullet is a small, that means mass is very less, but is able to kill a person when it is fired from a gun because of its momentum due to great velocity. I already told you that F is directly proportional to M into V. If mass is very less, if velocity is high, to ultimately aapka फोर्स क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, वो हिट कर देगा. ओके, सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम. ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अ पर्सन गेट इंजर्ड सिवियरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल्स बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, क्योंकि बच्चों ये सब कुछ में क्या है, बिकॉज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोमेंटम. ओके, so these are the some example of momentum. Got it? Okay.